जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने साधना में आपको बताने वाला हूँ, वो साधना बहुत ही तीव्र और आपके लिए उपयोगी साधना है। क्योंकि जीवन में जो हमारे शत्रु हैं, वो शत्रु हम पर हावी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले या फिर हमारे परिवार के ही व्यक्ति कुछ ना कुछ इस तरीके से वो ऐसे प्रपंच रचते रहते हैं कि हमारे जो जीवन है वो ठीक प्रकार से चल ही नहीं पाता है। हम परेशानियों में घिरे रहते हैं और वो प्रपंच पे प्रपंच रचते रहेंगे। मतलब कि आपको, आपके पास में जो व्यक्ति है, जो आपके पड़ोस में रह रहा है, उस व्यक्ति से आप इतना दुखी हो जाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि या तो मैं ही घर छोड़ करके कहीं चला जाऊं या फिर साला ये ही चला जाए। ठीक है, या तो मैं ही घर छोड़ करके कहीं चला जाऊं या फिर ये चला जाए, क्योंकि इतने दुखी हो जाते हैं। और ऐसे जब दुखी हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप ये प्रयोग जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ये संपूर्ण परिवार का उच्चाटन कर देगा। मतलब उच्चाटन का कि उसकी बुद्धि को ऐसा हर लेगा ये प्रयोग, ऐसा उसको मन को उचाट देगा कि उनको वहां से वो जगह छोड़ करके भागना पड़ेगा। और जब वो जगह छोड़ करके चले जाएंगे तो आप निश्चिंत सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, सुख चैन की सांस आप ले सकते हैं। क्योंकि जो शत्रु है, जो आपको परेशान कर रहा था, वो शत्रु वहां से जा चुका है। अब ये साधना जो है, इसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप करके जो चले जाते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, और आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो नुकसानदायक होता है। इसलिए वीडियो पूरी देख करके ही मुझे मैसेज करना। अगर किसी ने बीच में मुझसे ये पूछा कि ऐसे नहीं जी, ऐसे वैसे नहीं जी वैसे, और मुझे पता है कि हाँ मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसने वीडियो पूरी देखी नहीं है। अगर वीडियो देखी होती तो मुझसे इस तरह की बातें ये नहीं पूछते। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है, उन्होंने वीडियो भी पूरी देख ली, लेकिन फिर भी उनको मेरे मुख से सुनना है। मतलब समझ गए ना कि सब कुछ उनको पता है, वीडियो भी उन्होंने देख ली है। अरे भैया, वीडियो में भी तो मैं ही बता रहा हूं, और फिर भी उनको मेरे ही मुख से सुनना है। या सामग्री लेनी है तो भाई मुझसे जरूर बात करनी है, आपसे बात करनी है जी पहले। अरे भैया, नंबर मैंने दिया है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। और ना ही आप टेंशन लें इस चीज की आप अगर कोई सामग्री लेते हैं या पैसे भेज देते हैं तो फिर आपको सामग्री नहीं मिलेगी। मेरे पास ऐसा काम होता ही नहीं है। आपको 101% सामग्री आपकी जाएगी, आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, आपका पैसा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपका पैसा खाऊं। ठीक है, तो आप के जो शत्रु हैं वो शत्रु आपके घर छोड़ करके भाग जाएंगे। अगर नहीं भागेंगे वहां से, अगर वो वहीं पे रहेंगे, तो फिर एक एक करके उनकी लाशें गिरना शुरू हो जाएंगे। इतना ये खतरनाक प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं। और बता इसलिए रहा हूं कि कुछ लोग बहुत दुखी हैं जो मुझे मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, यहां तक कि वो अपने जीवन में रो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये प्रयोग करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रयोग को देखने के उद्देश्य से या परखने के उद्देश्य से, इसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से करता है, और सामने वाला जो है वो भगवान का भक्त है और आपका उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो फिर ये प्रयोग जो है आपके लिए भी घातक जो है पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बिल्कुल एकदम निर्दोष है, और निर्दोष व्यक्ति पर अगर आप इस तरह के प्रयोग करते हैं तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करता है।
तो इसलिए आप निर्दोष व्यक्ति पर यह प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको इस प्रयोग की साधना विधि में आपको बता देता हूं कि ये इसकी साधना विधि क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और ये रात्रि में आपको बैठना है, मतलब कि ये रात्रि नहीं, इसमें आप शाम का वक्त रखना, बिल्कुल ठीक शाम का वक्त, ना ज्यादा रात्रि हो और ना ही दिन हो, ऐसा टाइम रखना इसका, ठीक है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। छोटा सा प्रयोग है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक लगा लेना है, अगरबत्ती लगा लेनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक आपको काले हकीक की माला की जरूरत पड़ेगी, वो आप काले हकीक की माला ले सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें माला जो है मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए और इसमें केवल आपको हवन करना है बस। अब आपको करना कैसे है, एक चौकी लगा लेंगे, उसमें अपने गुरु का गुरु जी की तस्वीर रख लेनी है और एक भैरव जी की या फिर भगवान शिव की तस्वीर आपको रख लेनी है। अगर आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र आपने लिया है, तो उन्हीं गुरु का आपको पूजन करना है और अपने गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप कर लेना है और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, क्योंकि इस शत्रु ने मुझे परेशान करके रख दिया है, इसलिए मेरी समस्या का निवारण करें। अब उसके बाद आपको, जब आप आज्ञा ले लेंगे, तो उसके बाद आपको प्रयोग करना है। और अगर आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु नहीं बनाया कोई, तो फिर आपको भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप तो आप कर ही लेना, ठीक है। जब आपका इतना कार्य हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले से ही आपको कुछ नीम की पत्तियां ले लेनी है। नीम की पत्ती ले लेनी है आपको और उन नीम की जो पत्ती हैं उन पर शत्रु का आपको नाम लिखना है। अब मान लिया कि आपने 1000 नीम की पत्ती ले ली, ठीक है, 1000, और शत्रु का उन पर नाम लिख दिया। एक एक करके सभी पत्तियों पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। वो पेंसिल से आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा पेन ले लें जो आसानी से चल जाए और वो पत्ता ना फटे, नीम का पत्ता ना फटे। कई पेन तो ऐसे होते हैं जो गड़ा करके चलाने पड़ते हैं, और एक पेन ऐसे होते हैं कि जो आराम से चलाओगे तो नाम लिख जाएगा पत्ते के ऊपर। तो आपको ये 1000 पत्ते लेने हैं, ठीक है, और ये प्रयोग आपका 10 दिन का है। अब आपको क्या करना है, आसन कैसे भी कलर का आप ले लें, माला चाहे आप रुद्राक्ष की लें चाहे आप काले हकीक की लें, दोनों में से कोई सी भी आप माला ले सकते हैं। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, माला आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जब आप हवन करना है, आपको इस मंत्र से केवल हवन करना है जो मैं आपको बताऊंगा, ये हवन ही करना है बस, और कोई क्रिया आपको नहीं करनी है, और ये अपने घर में ही कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हवन कुंड ले लेना एक, और उसमें या तो आम की लकड़ी जला करके, या नीम की ही लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आम की लकड़ी ले लेना, सूखी ले लेना, पर उनको जला करके कपूर से जला लें और थोड़ा सा घी भी रख लें। पहले थोड़ा सा घी डाल करके गुरु मंत्र की और जो भी आपका गुरु मंत्र है उससे आहुति दे देना, 4-5 आहुति दे देना गुरु जी के नाम की, वो घी से दे देना, ठीक है। अब आपको जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते रुद्राय दंड करालाय अमुक। यहां पर जो अमुक शब्द आया है उसी शत्रु का नाम आपको लेना है, वही नाम आपको लेना है जो आपने पत्तों पर लिखा है, जो नीम के पत्तों पर लिखा है ना, वही नाम आपको यहां पर लेना है अमुक की जगह। आगे फिर है, सपुत्र बांधवे सह
हन हन, दह दह, पच पच, शीघ्रम, उच्चाट्य उच्चाट्य, हुम फट, स्वाहा, ठह ठह ठह, ये तीन बार आपको बाद में ठह 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 बोलना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये एक मंत्र पढ़ेंगे और एक पत्ता उठा करके हवन कुंड में छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपने 1000 पत्ते रखे हैं, वो 1000 पत्ते आपको हवन में छोड़ देने हैं, एक एक मंत्र जाप करते हुए। यानी 1000 मंत्रों का आपको जाप करना है। और जो हकीक काले हकीक की माला है या रुद्राक्ष की माला है, उसको आप उल्टे हाथ में ले लेना, क्योंकि मोती आपको गिनने के लिए चाहिए, तो माला से ही मोती गिनना है इसमें। तो आप उल्टे हाथ में माला, मतलब माला आपको लेनी है, और एक बार अगर आपने मंत्र पढ़ा तो एक मोती आपको खिसका देना है और एक पत्ता उठा करके हवन कुंड में डाल देना है। इस प्रकार से आपको ये क्रिया 10 दिन लगातार करनी है, 10 दिन तक लगातार करनी है। आप देखोगे कि इतना तीव्र मंत्र है कि पूरे परिवार का पुत्रों के सहित ही उसका उच्चाटन हो जाएगा। जैसे ही आपका संपूर्ण प्रयोग होगा, आप देखेंगे कि 10-5 दिन के अंदर अंदर ही उस शत्रु के घर में कुछ ना कुछ कलह विग्रह चालू हो जाएगी और संपूर्ण परिवार का उच्चाटन होगा इसमें। क्योंकि उसके जो जो पुत्र हैं, जो उसके भाई बंधु हैं, वो सभी का एक साथ उच्चाटन होगा इसमें। क्योंकि मंत्र के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, सपुत्र बांधव है, मतलब कि पुत्र भी पुत्रों के साथ और बंधुओं के साथ भी। तो इतना तीव्र मंत्र है ये कि आपको बहुत तीव्रता के साथ में जो ये मंत्र काम करता है। और या तो वो वहां से भागेगा, अगर नहीं भागेगा तो फिर वहां एक एक करके लाशें गिरनी उनकी शुरू हो जाएंगी। ये खतरनाक मंत्र है, नीम के पत्तों से किया गया है, कड़वी विद्या चलती है, इसलिए बहुत खतरनाक होकर के चलेगा। तो जो आपका वास्तव में इतना भयंकर शत्रु हो कि जो आपके प्राणों का ग्राहक ही बन चुका है, उस पर आपको प्रयोग करना है ये। वरना ये प्रयोग अगर उल्टा पड़ गया तो आपके लिए भी उससे ज्यादा कहीं खतरनाक होगा। उसके मान लिया कि उसके पास 100% गया शत्रु के पास, और अगर आपके ऊपर ये हट करके वापस आया तो समझ लेना कि कम से कम 200% होकर के वापस हटेगा, यानी दुगनी ताकत से हटेगा ये फिर। तो इसलिए सोच समझ के करना कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर मत करना जो भगवान का भक्त हो और निर्दोष व्यक्ति हो, उसके ऊपर आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 दिन तक आपको लगातार ये प्रयोग करना है। ना तो शत्रु के घर में कोई आपको सामग्री डालनी है, कुछ नहीं डालना है, केवल मंत्र जाप करके हवन ही करना है और उस वो काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से इस साधना को करें और अपने शत्रुओं का विनाश करें, जो शत्रु हैं आपके वास्तव में। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।